हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, तो कैसे ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन की मदद से हम जो है किसी भी हमारे टारगेट के ब्राउज़र को एक्सप्लॉयट करते हैं, जिससे कि हम उसके ब्राउज़र पे फिशिंग कर सकते हैं, किसी पेलेट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हम यहाँ पे उसके जो है ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन की मदद से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एंड गाइज, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। ये जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आप करते हैं तो उसमें ये आपको मिल जाता है। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम यहाँ पे ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन या जो हमारा बीप फ्रेमवर्क होता है, किस तरीके से हम बीप फ्रेमवर्क को जो है इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बीप फ्रेमवर्क के इंस्टॉलेशन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पे, वो है आपके पास कि आपको टर्मिनल आपका सिंपल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको जो है गाइस, ये जो बीप एक्सप्लॉयटेशन का जो टूल है जिसका नाम है बीप, ये बाय डिफॉल्ट आपकी लाइनक्स के अंदर इंस्टॉल होता है। अगर आप सिंपल यहाँ पे v-xss लिख के आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से ये जो है रन होने लगेगा गाइज। अगर आपके यहाँ पे रन नहीं होता है, अगर कोई एरर आता है, तो सिंपल आप यहाँ पे apt इंस्टॉल कमांड के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे apt इंस्टॉल v-xss लिखेंगे अगर, तो ये जो बीप होगा ये यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। तो ये फर्स्ट मेथड है कि आप जो है इस कमांड के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या गाइज आप जो है सेकंड कमांड के थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सेकंड मेथड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि है आप गिटहब से। तो इसका जो लिंक है आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ से जो है कोड पे क्लिक करके आप इसका जिप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप गिट क्लोन कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, आप दोनों मेथड में से किसी का भी यूज़ करके आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन, इसको मैंने 3 वीडियोज़ में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो गाइज, ये जो फर्स्ट वीडियो है मेरा, जिसमें कि हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ओनली, कि किस तरीके से जो है हम इंस्टॉल करते हैं। एंड जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे, उसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो है इसमें इंस्टॉलेशन देखेंगे, जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम सेम नेटवर्क पे कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं ब्राउज़र को, वो देखेंगे। एंड जो थर्ड वीडियो होगा, जिसमें कि हम डिफरेंट नेटवर्क पे काम करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप जैसे apt इंस्टॉल कमांड यहाँ पे आप लिखेंगे आप सिंपल, तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो बीप होगा आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद इसको गाइज रन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है b-xss, एंड b-xss आप लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बीप फ्रेमवर्क होगा ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा एंड रन होने लगेगा। सो सिंपल आप ये तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, सिंपल ये रन हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एक जो है URL मिलता है, जो कि है https://localhost एंड जो है पोर्ट दिया हुआ है 300। सो सिंपल आपको इस वाले को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करूँगा, एंड कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको आपके ब्राउज़र पे चलना है। एंड ब्राउज़र पे चलने के बाद सिंपल आपको इस लिंक को पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद गाइज, आप जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो बीप का कंट्रोल पैनल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप इसको लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पे जो पासवर्ड होता है गाइज, जो यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम यहाँ पे बीप ही होता है, आपको सिंपल बीप लिखना होगा। एंड जो पासवर्ड है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, आप फर्स्ट टाइम इसको रन करोगे, तो वहाँ पे आप उसे पूछता है कि एंटर अ पासवर्ड फॉर अ बीप। तो आप जो भी वहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो वो आप इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर बीप लिख देता हूँ, तो सिंपल मैंने यहाँ पे बीप लिखा है, एंड जो मैंने पासवर्ड था मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। एंड इसके बाद मैं अगर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप ये जो है बीप कंट्रोल पैनल पे आप लॉगिन हो जाते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन पार्ट है हमारा, यहाँ पे आप लॉगिन हो जाते हैं। तो गाइज, इस तरीके से जो है अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है बीप को इंस्टॉल कर सकते हैं गाइज। एंड अगर आप कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोई इशू हो रहा है, तो मैं आपको गाइज ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, एंड जल्दी रिप्लाई करूँगा, आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आएगा होगा कि किस तरीके से जो है हम बीप एक्सप्लॉयटेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी काली लाइनक्स के अंदर। तो चलिए गाइज, मिलते हैं बाकी अनदर वीडियोज़ के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें।